व्यूअर, आइए आज गोभी और आलू की बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनाते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और इतनी शानदार बनती है कि आप इससे खुद की दावत कर लेंगे और किसी मेहमानों के सामने रखते हुए आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए देर किस बात की, आइए रेसिपी को देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्याले में गर्म पानी कर लें और उसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दें। अब इस नमकीन पानी में अपनी गोभियों को डाल दें। अभी ये टेंडर गोभी है, मैंने इसके थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस किए हैं। अब इसे इस गर्म पानी में कम से कम 5 मिनट तक डिप हो करके छोड़ दें। इस तरह से इसकी इम्प्योरिटी भी निकल जाएगी और इसमें जो खाद वगैरह या कुछ कीड़े होते हैं वो भी इससे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से इसे थोड़ी देर छोड़ दें। ये 400 ग्राम आलूओं के लंबे और पतले कटे हुए टुकड़े हैं, इसे भी मुझे गोभी में डालना है। तो इसे छीलकर धोकर तैयार कर लें और गोभी हमारी 400 ग्राम के लगभग है। एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को मीडियम गर्म कर लें। अब उसमें ये छीली कटी हुई धुली हुई आलूओं के टुकड़े को डाल दें। हमें आलू को तलते हुए हाफ डन कर लेना है। लगभग 6 मिनट तक ये धीमे आंच पर इसे मैंने तल लिया है। अब यहीं पर हमें गोभी मिला लेना है, क्योंकि गोभी थोड़ा टेंडर होता है इसलिए इसे हम थोड़ा देर से डालेंगे। और अब दोनों को मिलाकर इसे फिर से तल लेना है लगभग 5-6 मिनट तक, कि लगभग 80% सब्जी यहीं पर गल जाए। अब जब तक सब्जी फ्राई हो रही है, इधर पाउडर मसाले इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून कश्मीरी रेड चिली, 1/2 टी स्पून रेगुलर रेड चिली, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून जीरा पाउडर और 1/4 टी स्पून ही अमचूर पाउडर हमने लिया है, और साथ में 1/2 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी रख लें। अब एक दूसरी कढ़ाही में 4 टेबल स्पून फिर से तेल को गर्म करें और उसमें कटे हुए टमाटर को डाल दें। छिलके को उठा लेंगे और इस तरह से टमाटर को तेल में पकाने का मकसद ही यही था कि इसका छिलका आसानी से छिल जाए। तो आप इसे साइड में कर लें और इसी तेल में यहीं पर एक बारीक कटी हुई प्याज डालें। इस तरह से एक ही बर्तन में आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। अब इसे तेज फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पकने दें। 3 मिनट के बाद ही प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है और इधर टमाटर भी गल के पेस्ट सा बन गया है। तो अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मसाले में मिला लेना है और 1 मिनट तक तेज आंच पर भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पर तेल अलग हो रहा है, मसाले भुने जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो पाउडर मसाला हमने निकाला था उसे शामिल कर लें। साथ ही मसाला जले नहीं इसके लिए थोड़ा सा पानी डालें। मैंने यहाँ पर 300 ml के कप में 1 कप पानी लिया है। अब देखते हैं कितना पानी इसमें जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इन सब चीज़ों को हमें खूब अच्छी तरह से भून लेना है और मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। जब भी पानी सूखने लगे 2 टेबल स्पून पानी इसमें शामिल कर लें। 3 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद मसाले से तेल सेपरेट हो रहा है, यानी ये बहुत अच्छी तरह से भुना जा चुका है। तो अब इसमें बारी है गोभी और आलू के शामिल करने का, जिसे हमने लगभग 90% तक कुक करके रखा है।
अब सब्जी को मसाले में अच्छी तरह से मिला लें और यहीं पर हमें इसकी तरी या करी के लिए पानी शामिल करना है, जिसे आप अपनी पसंद के हिसाब से डालेंगे। मुझे इसमें बीच बीच का करी चाहिए। तो आप मसाले में पानी शामिल करें। यहाँ पर पानी आपकी अपनी पसंद पर डालना है, आपको जितनी करी चाहिए पानी उतना ही शामिल करें। मैंने यहाँ पर पूरा 300 ml पानी इस्तेमाल किया है और यहाँ पर थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। आप भी यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग नमक एडजस्ट कर लें। अब फ्लेम को धीमा कर दें और ढककर 5 मिनट तक इसे दम पर रखें। दम पर रखने के बाद सब्जी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसका मसाला भी बहुत अच्छा हो चुका है, साइड में तेल भी अलग हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसे फाइनल टच देंगे। तो कुछ चीज़ें इसकी सजावट के लिए हमने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च काट कर रखी है, थोड़ा सा इस पर ज़ीरा पाउडर डाल दें, चुटकी भर गरम मसाला डालें और अब यहाँ पर कसूरी मेथी डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं सब्जी गल भी गई है और कितनी अच्छी सी इससे खुशबू आ रही है कसूरी मेथी की, गरम मसाले की। और आप इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल पूरी पराठे के साथ खाने वाली, मेहमानों को परोसने वाली ये सब्ज़ी इतनी ही शानदार तैयार हुई है। फाइनली आप इस पर धनिया की पत्ती डाल दें और फ्लेम को बंद कर दें। तो देखिए ये झटपट आपकी बहुत ही शानदार सी गोभी आलू की सब्जी, सीजन वाली नए गोभी आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं और मेहमानों को परोसें। और अगर ये डिश पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले फिर किसी नई सी रेसिपी पर, मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।